आप जी सच्चे पातशाह जी जो भी पेशेंट आए हैं उन्होंने वास्ते संगतों के वालों लंगर प्रसाद आदि सच्चे पातशाह जी लंगर भी अरंभ करो आरंभ कर दिया जो जी छके जो आप जी का नाम छके सच्चे पातशाह जी आप जी के नानक नाम की मेरे माने सरबत वाहेगुरु जी की फतेह श्री अकाल वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी की सारे जाने बैठ जाओ अपनी जगह जहाँ जगह बैठ जाओ बैठ जाओ उत्ते कर देना ला यार आओ भाई साहब मुन्ना है पैर भी कर पैर कैसे पैर मुन्ना पैर लड़ता है अभी इतना और तो बना देता हूं ना पैर कैसे बनने पैर से टेलीविजन से रिलेटिव
सारे बैठ जाओ, कृपया बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ सब। बस अब 5 मिनट और लगेंगे आपके। जिन लोगों का हम इंतजार कर रहे थे वो हमारे बीच में आ चुके हैं। इन्हीं के सहयोग से ये कैंप यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है। और एक संस्था जो विदेश में बैठी है, कनाडा में है, उनका ये सपना है कि हिंदुस्तान में जिन भी गांव में, कस्बे में, किसी भी हिस्से में दो आंखों से कोई बात को बात को बने हेलो उसका ऐसा है खड़ा कर। हाँ जी भाई जान, आप शांति से मेरी बात सुनिए, मेरे तो ध्यान दो, पर्ची कट जाएगी। हेलो पर्ची कट जाएगी, काटो काटो तू करता अपना काम करता। उनका सपना कनाडा में लिया और यहाँ पर हमारे बीच में जो बैठे हुए हैं महानुभाव, ये रोटरी क्लब के हैं, इनका भी यही सपना है। और साथ साथ आपने देखा है इन्होंने टोपी पहन रखी है। ये एक मैसेज है कि तुम्हें बताने के लिए कि तुम्हारे जो बच्चे पोलियो से सबसे ज्यादा आप हेलो उनको बोलो तो आप बोलो को अपना काम करो हमें अपना काम को बात नहीं शांति से ऐसा है। सबसे ज्यादा मैं बात की तरफ लोग ये बच्चों का ध्यान नहीं रखते कि पोलियो की दवाई नहीं पिलाई जाती और एक छोटी सी दो बूंदे ना पिलाने का ये होता है कि बच्चा सारी जिंदगी भर उसको अगर असर हो गया पोलियो का तो सारी जिंदगी पछताता है। तो ये मैसेज लेके तुम्हारे पास आए हैं बताने के लिए, आपकी सेवा के बीच में हाजिर हुए। हमारे पास हमारे आज के चीफ गेस्ट शिव कुमार जी, सानी साहब, सेठी साहब और साथ सारे आए हुए हैं। और ये अब मैं बेनती करूंगा सानी साहब से, प्लीज वो भी आपको कुछ दो शब्द कहें। मित्रों भाइयों, ये मेरे को तो सबसे पहले आपका स्वागत करना है भाई, मेरे भी डॉक्टर साहब हैं। ये एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल चलाते हैं गुड़गांव में, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट के पास गवर्नर रह चुके हैं
और पोलियो में और आने वाले दिनों में काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य करेंगे और मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ये मेरे छोटे भाई हैं, हालां ये इन्होंने हमारी अग्री टू आर रिक्वेस्ट एंड बहुत थैंक यू वेरी मच। और मैं आप सबका धन्यवाद भी करता हूँ कि आप लोग आए, कि आपने हमें मौका दिया कि हम कुछ कर सकें, क्योंकि इस इलाके से हमें बहुत सालों से जुड़ाव है। इधर हम कई सालों से इस हॉस्पिटल के साथ मिलके, ये पहली बार नहीं है कि ये इसके लिए आया हूँ। मेरे ख्याल हमने कम से कम नहीं 6-7 हज़ार और डॉक्टर शमीम और हमारे मेरे दूसरे मित्र विजय सरदाना जी इधर हैं, ये इसके चेयरमैन हैं इस हॉस्पिटल के, और ये मिलकर सारे लोगों ने ये कार्य किया। और हमें जब भी मैं इधर आता हूँ मेरे को खुशी होती है कि हम इधर आके कुछ सेवा, आप लोग हमें मौका देते हो कि हम कुछ सेवा कर सकें, क्योंकि मेरे को ये मेरे लिए यही मंदिर है, यही मस्जिद है, यही गुरुद्वारा है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर आकर जो काम कर सकता हूँ मैं कहीं और नहीं कर सकता। तो मेरे को फिर शमीम जी, विजय जी और आप सबका धन्यवाद है कि आपने हमें ये मौका दिया। और मैं चीफ गेस्ट का डॉक्टर साहब डॉक्टर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो इन्होंने आके ये कार्य किए। मगर इस कार्यक्रम के साथ हमारे एक और मित्र मिले हुए हैं, वो आज तो आप तो नहीं आ सके, मगर सरदार कजान सिंह जी खालसा हैं फरीदाबाद वाले, और उनके साथ मनजीत सिंह जी हैं, इस्लाम साहब हैं, ये आए हैं। इन्होंने हमारे साथ मिलकर ये हमारे साथ ये कार्य किया और ये तीसरा कैंप है, और ये बेचारे अपने काम का छोड़ कर सब कुछ करिए और सबके लिए लंगर ले गया, खाना ले गया, ये एक बड़ी महान बात बड़ी। मैं आप सबका सहदिल से बहुत बहुत शुक्रिया किया कि इनकी जो हमारे साथ कोऑपरेशन है, जितनी भी ये हम कहें इन्होंने कोऑपरेट किया है उतना ही कम है। ये जो कुछ हम कह दें ये बेचारे करने को तैयार होते हैं और आके हमारे साथ कंधे से कंधा लगा कर हमारे साथ हर कार्य में साथ देते हैं। इसके अलावा हम पोलियो के लिए भी आए, मेन हमारा कार्य पोलियो का है, और आज अभी पोलियो का NID है, आप सबको पता है, मेरे को यकीन है कि आप लोग अपने 5 साल तक के बच्चों को सबको 2 बूंद, क्योंकि अब हमें पोलियो, भारत को पोलियो मुक्त करना है और मेवात को पोलियो मुक्त करना है, नहीं तो आपके बच्चे ही जो होते हैं अपाज होते हैं, क्योंकि पोलियो की ऐसी बीमारी है कि एक बार याद आए तो वो ठीक नहीं बच जाती, उसको हम वो लंग हमेशा ही देखता है। और किसी बीमारी में तो शायद एक बार ही आती, कोई बच्चा मरे तो माँ बाप एक बार ही रो के ख़त्म करते हैं, ये तो जब भी बच्चे को देखते हैं उतनी बार ही मरते हैं और कहते हैं देखो हमारी गलती से कि हमने वो 2 बूंद नहीं पिलाई, इस वजह से ये बच्चा हमारा इधर लगा। तो मेरी प्रार्थना है, अर्ज है आप सबसे कि आप प्लीज़ घर जाके अपने बच्चों को, बेटे को, बेटा बेटी या अपने पोता पोती या दोता दोती को जरूर ये 2 बूंद दवाई करें। इसी के साथ मैं आप सबका फिर धन्यवाद करता हूँ और मैं आप प्रार्थना करता हूँ अपने हमारे मित्र जो हमारे साथ चीफ गेस्ट हैं हमारे आज के, डॉक्टर पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं और हमारे मेरे छोटे भाई डॉक्टर सुशील खुराना जी को, कि वो इसको इस कैंप को इनॉग्रेट करें और इसको आगे। धन्यवाद मंजीत सानी जी जो रोटरी से जुड़े हुए हैं, हमारे मेरे बहुत बड़े भाई हैं और कितने सालों से आपके यहाँ आकर ये आँखों का काम और बाकी पोलियो के लिए भी देखभाल कर रहे हैं। मेरे डॉक्टर साहबान साथी जो आके आपकी मदद करते हैं, मैं भी एक इन्हीं का साथी हूँ, डॉक्टर हूँ और मेरा गुड़गांव में कल्याणी अस्पताल के नाम से अस्पताल है, आप में से कई लोग दुख के टाइम वहाँ ज़रूर आए होंगे। आज जिस वजह से हम यहाँ आए हैं, हमारा ये है कि हर आदमी को ये हक मिलना चाहिए कि जब हमारी उम्र हो जाती है तो हमारी देखने की संस्था कम हो जाती है, ताकि और उसको ठीक किया जा सकता है अगर समय के ऊपर आकर हम ऑपरेशन करा लें। लेकिन बहुत लोगों के पास ऐसे साधन नहीं होते कि वो आकर कुछ खर्चा करके, जिसके ऊपर हज़ारों रुपए लगते हैं, कि वो आकर अपनी आँख को बनवाएं।
आप अपने अपने कमीज को देखिए, आपके पास रुमाल होगा, कपड़ा होगा, जो ठीक लोग खड़े हैं, जो जवान लोग आगे ही हो, कपड़ा रख के देखिए कि आपको कैसे नजर आता है। उसी तरह से ही जिस आदमी की आंख में कैटरेक्ट हो जाता है उसको उसी तरह नजर आता है कि कितनी मुश्किल से वो जी रहा होता है। तो हमें जो हमारे बुजुर्गवार घर में हैं जिनको ये तकलीफ हो जाती है उनको यहाँ लाना चाहिए, क्योंकि कैनेडियन लोग, मंजीत सहनी जी, हमारे डॉक्टर लोग, रोटरी से आए हुए बाकी सब लोग, हम सब आपकी जितनी धन से काम से हम मदद करने को तैयार हैं कि अच्छे से अच्छे तरीके से आपका ऑपरेशन हो और जो बुजुर्ग लोग हैं वो दोबारा से अपनी दृष्टि उनको मिल जाए और वो ठीक तरीके से अपनी ज़िंदगी जी सकें और देख सकें। और दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी और भी है कि ये आँख नेत्रदान सबसे बड़ा महादान होता है। और दूसरी चीज़ जिसके लिए आज हम आए हैं, जो बात कर रहे हैं, आप हर जगह देख रहे होंगे बड़े बड़े इश्तहार लगे हैं, बच्चों को पोलियो की दो बूंद पिलाइए, दो बूंद ज़िंदगी में पोलियो से बचा देगी। और ये हम लोग और बाहर के कई दफ़ा आपने देखा, हम इधर कई सालों से सन 84-85 से आते रहे हैं और आ रहे हैं, लेकिन सारी दुनिया में पोलियो ख़त्म हो गया, लेकिन चार ही देश हैं जिसमें अभी नहीं ख़त्म हुआ, जिसमें से हिंदुस्तान भी एक देश है। वो इसलिए कि यहाँ पर हम अपने बच्चों को ढंग से दवाई नहीं पिलाते। वो वक़्त भी था जब मैं सन 76 में कलावती सरन अस्पताल दिल्ली में काम करता था, तो वहाँ पर हमें रोज़ 50-60 बच्चे ऐसे आते थे जो अपंग हो जाते थे पोलियो की वजह से, हाथ खराब, टांग खराब हो गए। लेकिन आज वो समय है कि वहाँ पर एक मरीज भी नहीं आता है। वो इसलिए कि सिर्फ ये जो दो बूंद हैं जो पोलियो की तब से हम पिला रहे हैं उससे पोलियो बहुत कम हो गया है। लेकिन पोलियो का सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि जब तक 100% लोगों में ये ख़त्म नहीं हो जाता, इसमें डर रहता है कि दोबारा आ जाए। अब हम इस मदार पर खड़े हैं कि हमें सिर्फ एक उसको धक्का लगाना है। 99% पोलियो हम ख़त्म कर चुके हैं आप लोगों की मदद से, आप लोगों की सहायता से कि आप बच्चों को लाते हैं, उनको दवाई पिलाते हैं। अब जो 1% बचा है वो भी आपकी मदद चाहिए। आज हमें जिसके भी घर में, आप अपनी आंख दिखा लीजिए, जिसके भी घर में 5 साल से छोटा बच्चा है उसको नज़दीक से नज़दीक जहां पर भी पोलियो की बूंद मिल रही है, हर दफ़ा जब कभी भी ये पोलियो के कैंप लगते हैं, चाहे आपने प्राइवेटली भी पिलाई हो, फिर भी उसको ले जाके दो बूंद जरूर पिलानी है। इससे मैं आपको डॉक्टर के नाते और आपका भाई होने के नाते बता सकता हूँ, कोई नुकसान नहीं होता, सिर्फ फ़ायदा ही होता है। किसी भी तरह का कोई भी नुकसान होने की कोई भी संभावना ज़िंदगी में कभी नहीं, इससे फ़ायदा ही होगा, वो ज़िंदगी भर अपने आप चल पाएंगे। और ये भी बता दें कि अब सरकार ने, जब हम सऊदी में हज के लिए जाते हैं वहाँ पर भी ये अब कानून बना दिया है कि जो नहीं, जिसने पोलियो की बूंदें नहीं पिलाई होती तो उसको जाने नहीं देते, उसके लिए भी अब ये कानूनी तौर पे उन्होंने वो कर दिया है कि सब बच्चों को और सबको बूंदें पिलाई होनी चाहिए ताकि वहाँ पर भी आगे बीमारी ना हो। तो ऐसा कोई भय नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और जो हम सब लोग यहाँ आते हैं इसीलिए आते हैं कि हमारे बच्चे, आपके बच्चे जो आने वाली ज़िंदगी जिए, हमारी तरह से बुलंद रहें, भाग दौड़ सकें और वो कर सकें। तो आप सबका धन्यवाद कि आपने डॉक्टर साहब में, डॉक्टर साहिबा में विश्वास जताया, हम लोगों में विश्वास जताया और अपने घर के लोगों को यहाँ हर साल लाते हैं, लाते रहिए। हम जो भी आपकी मदद जिस तरह से भी कर पाएंगे, आँखों के लिए या और किसी चीज़ के लिए, हम हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब। और ये मेरी जो है बहुत खुशकिस्मती है कि आज मुझे ये मौका मिला है कि आज का ये कैंप जो है उसकी मैं शुरुआत के लिए यहाँ मुझे एज चीफ गेस्ट बुलाया गया। और डॉक्टर होने के नाते, रोटरी से जुड़े होने के नाते, दोनों तरफ से मुझे बहुत खुशी है और मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने विश्वास दिया और आज के इस कैंप का हम शुभारंभ करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं बेनती करूँगा, हमारे बीच में रोटेरियन टीवी एस सी टी सी भी आए हुए हैं, ये भी दो शब्द के मेरे बुजुर्ग और साथियों, पीडीजी डॉक्टर, हमारे पीडीजी मंजीत सहनी, रोटरी भाइयों, चेयरमैन हमारे अस्पताल के विजय सजाना जी, आप सबको हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि आपने हमें सेवा का मौका दिया है और हम हमेशा आपकी सेवा करते रहते हैं। इसीलिए ये रोटरी ने आपके पास ये सिटी आई हॉस्पिटल बनाया है, जिसके लिए रोटरी इंटरनेशनल और रोटरी ने काफ़ी फंड लगाए हैं और यहाँ पर ये इसलिए बनाया गया कि आपके घर पे आपको दूर न जाना पड़े, घरों में न जाना पड़े, नज़दीक में ही आपकी आंखों का ऑपरेशन हो सके, आपकी आंखों की दृष्टि ठीक रह सके। इसके साथ मैं ये भी विनती करूँगा कि आप
अपने नित्य जान भी करिए, क्योंकि आपके जाने के बाद आपकी आंखें सदा देखती रहेंगी जो आपके फैमिली के अंदर। तो ऐसा इंसान है जो उसकी आंखें ख़त्म होती हैं, अगर आप नेत्र दान करेंगे, आंखें को दान कर देंगे, तो आपके जाने के बाद आपकी फैमिली का एक बच्चा जो भी होगा इसको आंखों को देख सकेगा। और इसके साथ ही जैसे हमारे मंजीत जो प्रणाम जी ने बताया कि पोलियो की जो दो बूंदे हैं इनको जरूर पिलाइए बच्चों को, क्योंकि यही जो दो बूंदे हैं आपके बच्चों को अच्छी सेहत और शांति दे सकती हैं, जिससे कि उनको कभी कोई बीमारी ना हो, कोई ऐसी अफवाही ना हो। तो आज देख रहे हैं आप अपने गांव में अपने मोहल्ले में देखते होंगे कि बच्चों को जिनको दो बूंदे पोलियो की नहीं पिलाई जाती उनका क्या हश्र होता है और जिंदगी के अंदर वो किस तरह से अपनी जिंदगी को गुजारा करते हैं,